हाय दोस्तों, हरिहर गंगे नमामि गंगे। आज हम आपको हरिद्वार से 30 किलोमीटर दूर ऋषिकेश में बनने वाले कांच का ब्रिज के पूरी दृश्य और पूरी जानकारी देने वाले हैं। कहा जा रहा है कि जुलाई में कांच के ब्रिज का शुभारंभ हो जाएगा। कुछ इस तरह का दृश्य देखने वाला है। आपने विदेशों में देखा होगा, इंडिया में भी काफ़ी सारे ऐसे ब्रिज हैं, लेकिन उत्तराखंड का पहला ब्रिज होगा जो कि ऐसा बन रहा है। यह है राम झूला और लक्ष्मण झूला। आप देखे होंगे, ये लक्ष्मण झूला के पास बन रहा है। यहाँ पे इंडिया से नहीं, विदेशों के बीच से काफ़ी सारे लोग आते हैं और यहाँ की सुंदरता को देखते हैं। अब यहाँ की सुंदरता काफ़ी ज़्यादा निखरने वाली है। आप अगर हरिद्वार की प्लानिंग करें या फिर ऋषिकेश के या फिर उत्तराखंड के कहीं का भी प्लानिंग करने वाले हैं, कांच के ब्रिज आपको जरूर अपने ओर खींचेगा। देख रहे हैं कुछ इस तरह का अद्भुत अनोखा अविश्वसनीय दृश्य देखने को मिलने वाला है। आप 57 मीटर ऊंचे पुल पे खड़े होकर माँ गंगा की बहती हुई धारा को ऐसे नीचे से देखेंगे तो कुछ अलग ही अनुभव होगा। ये जो कहा जा रहा है ये 3 लेन में होगा, जिसमें कांच के 2 चलने के लिए बनाया जाएगा और एक ऐसा रहेगा जिसमें बाइक और जा सकता है। तो आप कमेंट करें और बताएं कि आप कब आ रहे हैं जुलाई में। जुलाई में अगर आ रहे हैं तो कांच के ब्रिज लक्ष्मण झूला के पास नवनिर्मित हनुमान सेतु को देखना ना भूलें। आप अगर हरिद्वार की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर ऋषिकेश का, तो आप अधिकतर लोग हरिद्वार की प्लानिंग करते हैं और ऋषिकेश उन्हें जाना होता है। और ऋषिकेश धार्मिक और एडवेंचर दोनों ही दृष्टि से काफ़ी दूर दूर से लोग वहां पे आते हैं। रिवर राफ्टिंग वहां की काफ़ी प्रसिद्ध है। वहां एडवेंचर की दृष्टि से ट्रैकिंग काफ़ी पहाड़ों पे किया जाता है और काफ़ी ऐसे बड़े बड़े आश्रम हैं जहां पे योगा और ध्यान कराया जाता है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे योगा करने के लिए आते हैं, इसी कारण ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। देख रहे हैं, ये है हरिद्वार में बहती गंगा की धारा और ये जो धारा है वो ऋषिकेश से ही होके आ रही है। ऐसे ही एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। ये जो ब्रिज होगा इसकी लंबाई 133 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा ये ब्रिज होने वाला है, जो कि काफी अद्भुत नजारा लेके आप सबके सामने आने वाला है। ऐसे जो लक्ष्मण झूला है वो 100 साल पुराना ब्रिज है जिसे अब बंद कर दिया गया है और ये काम शुरू 2019 पे हुआ था और 2019 से ब्रिज बन रहा था। अभी ब्रिज 2024 जुलाई में तैयार हो जाएगा और आम श्रद्धालुओं के लिए खोल लिया जाएगा। और जब आप आएंगे तो यहाँ का जो दृश्य होता है, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया है, काफ़ी ज़्यादा अविश्वसनीय अद्भुत दृश्य होने वाला है। कुछ दृश्य इस तरह का देखने को मिलेगा कांच का, और यहाँ पे कांच की मोटी परत होगी, कुछ इस तरह सा आप देख रहे हैं, जहाँ पे आप सुरक्षित रहेंगे। अब हम आपको बता देते हैं यहाँ पे आप कैसे आएं, क्योंकि काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पे आने का भी प्लान करने वाले हैं, क्योंकि ये अद्भुत अविश्वसनीय दृश्य लेके हमारे सामने लाने वाला है। तो हरिद्वार से ऋषिकेश भी आप यात्रा कर सकते हैं। ऐसे ऋषिकेश में भी 2 रेलवे स्टेशन है, आप चाहे तो रेलवे के माध्यम से भी आ सकते हैं और बस स्टैंड भी है, जो कि कनेक्टिविटी आपको ऑल ओवर इंडिया से मिलने वाला है। अगर आप बाय एयर आने वाले हैं तो यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, निकटतम एयरपोर्ट यहाँ पे देहरादून में आपको मिल जाएगा। आप जिस सदन से भी आएंगे आपको बस स्टैंड आना होगा। बस स्टैंड से आपको यहाँ की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है, जो कि आपको ई रिक्शे विक्रम टेम्पू से करना होगा और रिक्शे वाले आपको 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे आप कार से भी आ सकते हैं, बाइक से भी आ सकते हैं। यहाँ पे कार पार्किंग को लेकर किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये ढलान पर आएंगे, ये जो ढलान है मेन हाईवे जिसे चारधाम यात्रा की हाईवे कहा जाता है, उधर से आप आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप आपको सजे हुए दिखाई देंगे। आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं, कार पार्किंग कर सकते हैं और पैदल यहाँ पे आ सकते हैं। काफ़ी अद्भुत दृश्य होने वाला है, पहाड़ों का दृश्य। अभी हम भाई साहब से बात करते हैं जो कि हमें पूरी जानकारी अभी देने वाले हैं ब्रिज के बारे में। नीचे से नहीं दिख रहा था ना, इधर आइए।
यहाँ से आपको पूरा दिखाएंगे सर। नया पर रहेगा सेतु, नया सेतु, ये क्या नाम है? बजरंग सेतु। अच्छा कांच का ब्रिज इसी को बोलते हैं क्या? यही बन रहा है अभी। अच्छा अच्छा कांच का सेतु ही है। जुलाई में हैंडओवर हो जाएगा। ये है लक्ष्मण झूला, जहाँ पे लोग आते थे एडवेंचर की दृष्टि से। यहाँ पे काफी सारे लोग रुकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं काफी सारे होटल धर्मशाला है। और ये है बजरंग सेतु, जिसकी निर्माण अभी शुरू है, पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन जुलाई तक पूरी तरह से ये हैंडओवर कर देंगे ऐसा कहना है। और इस सेतु के बारे में कुछ बताइए, कुछ सेतु के बारे में। यह सेतु ये बहुत ही मतलब अलग तरीके का है, ग्लास डेक्स का बन रहा है। अच्छा ग्लास का है, पूरा ग्लास का आर पार दिखेगा ऐसा है क्या? नीचे जो चीज रहेगी पूरी दिखेगा। अच्छा अच्छा लंबा कितना होगा इसका, कितना लंबा होगा? ये लंबा होगा 136 मीटर लंबा होगा, कांच की होगी पूरी पारदर्शी, जैसे विदेशों में होता है वेस्ट टाइप का दृश्य आपको और इसी के इसमें देखने को मिलेगा। जुलाई में पूरा हो जाएगा ऐसा काम, हैंड ओवर कर देंगे बता रहे हैं आप। जुलाई में हैंडओवर कर देंगे। अब हम यहाँ पे अगर ये ब्रिज बन जाएगा तो काफी लाजवाब दृश्य देखने को मिलेगा, पूरी पारदर्शी होगी कांच का। और अब आप जो विदेशों में देख रहे थे वो आप केवल इंडिया में देखेंगे। काफी शानदार ब्रिज होने वाला है ये जो झूला है, बजरंग सेतु के नाम से होगा ये झूला, और कांच की पूरी तरह से पारदर्शी झूला होगा। और जब भी आएंगे आपको कुछ अलग ही अनुभव आपको यहाँ पे होने वाला है। ये है बजरंग सेतु जो कि अभी बनके तैयार हो रहा है और जुलाई तक हैंडओवर कर दिया जाएगा। ये है बजरंग सेतु जो कि अभी निर्माणाधीन है और पूरी तरह से कांच का होगा।